हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल मूंग दाल का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि मैंने किस तरीके से बनाया है आप लोग भी देख सको। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे जो रेड बटन है उसे कर दो फटाफट से क्लिक, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी कर दो प्रेस, ताकि आने वाले इससे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिले। तो हम देख लेते हैं हमने यहाँ पर क्या लिया है। ये जो मूंग दाल है, इसे मैंने एक कप रात भर भिगा दिया था। अगर आप इसे रात भर नहीं भिगा सको तो आप इसे गर्म पानी के अंदर 1 से 2 घंटे के लिए भिगाओगे तब भी चलेगा। और हमें इसे पानी अच्छे से धो के निकाल देना है। ये मैंने एक कप घी लिया है, घी इसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें 2 से 3 कप घी लगेगा। और ये 500 ml मैंने फुल फैट मिल्क लिया हुआ है। ये 1 कप खोया लिया हुआ है। ये चीनी शुगर ऐड करनी है आपको, अपने को जितनी मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। ये केसर को इस तरीके से मैंने दूध में भिगा दिया है। ये ओरिजिनल है, आप डालना चाहो डालो, लेकिन इसे डालने से कलर बहुत अच्छा आता है हमारे हलवे में। और ये बादाम है, बादाम भी आप जितनी डालना चाहो डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने 1/2 कप ली है। ये इलायची पाउडर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मूंग की दाल हमने भिगाई थी, इसे हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना है। हम सारी मूंग की दाल को अच्छे से पीस लेंगे। चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये खोया भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ये इलायची पाउडर जो हमने पीस के रखा था ये भी ऐड कर देंगे, और जाफरान को जो हमने दूध में भिगाया था इसे भी हम ऐड कर देंगे, और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हलवे को बनाने में हमें कम से कम 30 से 35 मिनट लगते हैं फ्रेंड। इसे हमें इसी तरीके से देखो लगातार हलाते रहना है, आप देख सकते हो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अभी आप देख सकते हो अभी भी इसे और हमें पकाना है मीडियम फ्लेम पर।
जब ये इसमें से जो हमारा घी हमने ऐड किया है वो बाहर दिखाई देने नहीं लग जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। आप देख सकते हो ये हमारा हलवा पैन छोड़ने लग गया है और ये देख सकते हो आप घी आपको दिख रहा है, हमारा हलवा बन के रेडी हो गया है। हम अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। फाइनली हमारा हलवा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हो इसका लुक, मैं इसे आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइस, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को अपने फैमिली के साथ और रिलेटिव के साथ और फ्रेंड सर्कल्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग डिसलाइक तो करते हो, डिसलाइक करना बड़ा ही आसान है, हम लोग बड़े मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद ना आए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए आप लोगों को क्या चीज़ पसंद नहीं आई, ताकि आगे से हम ध्यान रखें कि हमें वो गलती को रिपीट नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।